देश लगातार आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है और पुरुषों के साथ साथ महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कई तो ऐसी हैं जिन्होंने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो पुरुष भी नहीं कर पाते। लेकिन इस आधुनिकता के बीच भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध हमेशा से ही बड़ी समस्या रहे हैं। लगातार इस मसले पर समाज में काम करने की सलाह दी जाती है और कई सरकारें ये दावा भी करती हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। उनमें से एक है यूपी सरकार। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही, लेकिन उसके बाद भी यूपी के कई मामले ऐसे हैं जिन्होंने देश भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। चाहे वो साल 2020 का हाथरस मामला हो या फिर साल 2017 का उन्नाव रेप मामला। लेकिन तब क्या हो जब महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला मोबाइल बता दिया जाए? जी हाँ, ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने कहा है। हालांकि ये बयान उनका कल आया था। उनका मानना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की वजह उनका मोबाइल फोन इस्तेमाल करना है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ पहुंची मीना कुमारी ने यहां बयान दिया कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराधों पर समाज को खुद गंभीर होना पड़ेगा। ऐसे मामलों में मोबाइल एक बड़ी समस्या बनकर आया है। लड़कियां घंटों मोबाइल पर बात करती हैं, लड़कों के साथ उठती बैठती हैं। जरा सुनिए क्या कहती है मीना कुमारी। सख्ती तो खूब हो रही है। अब समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से काम कर बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मीना कुमारी ने आगे कहा कि लड़कियों के मोबाइल भी चेक नहीं किए जाते, घर वालों को पता नहीं होता और फिर मोबाइल से बात करते करते लड़कों के साथ वो भाग जाती हैं। माफ कीजिएगा इस भाषा का इस्तेमाल मुझे करना पड़ रहा है, लेकिन ये भाषा उन्हीं ने इस्तेमाल की है। जी हाँ, मैं बात मीना कुमारी की कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी ने अपील की है कि लड़कियों को मोबाइल ना दें और अगर मोबाइल दें तो उनकी पूरी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि इसमें माँ की बड़ी जिम्मेदारी है और अगर आज बेटियां बिगड़ गई हैं तो उसके लिए उनकी माताएं ही जिम्मेदार हैं। अब इस बेटों के बयान के लिए आप मीना कुमारी को क्या कहेंगे? फैसला आपके हाथ में है। हर बार आखिर क्यों लड़कियों के ऊपर दोष दिया जाता है? लड़कियों के साथ रेप होता है तो लड़कियां दोषी हैं क्योंकि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने हैं। लड़कियां बाहर क्यों निकलती हैं? लड़कियां यहाँ क्यों जाती हैं? लड़कियां वहां क्यों जाती हैं? लड़कियां ये क्यों करती हैं? लड़कियां वो क्यों करती हैं? आखिर कब तक? अब फिर एक बयान दे दिया गया, वो भी बेतुका, कि लड़कियों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। यहाँ ये क्यों नहीं कहा गया कि लड़कों से मोबाइल छीन लेना चाहिए? गौरतलब है कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध लगातार बड़ा मसला बन रहे हैं, लेकिन ऐसे संवेदनशील मसले पर महिला आयोग के सदस्य द्वारा ही इस तरह मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहराने पर बयान की काफी आलोचना भी हो रही है। बता दें कि इस तरह का कोई बेतुका तर्क पहली बार नहीं दिया गया। इससे पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की बातों को सामने रखा जा चुका है, जहां महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों के लिए कभी कपड़ों को, कभी मोबाइल फोन को या अन्य मसलों को मुख्य कारण बता दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब महिला ही ऐसी मानसिकता रखेंगी जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है उसके लिए रोकथाम के लिए काम करे, सरकार जो भी फैसले लेती है उसमें सहयोग करे और महिलाओं को जागरूक करे, उल्टा मीना कुमारी जी कहती हैं कि लड़कियों से मोबाइल छीन लेना चाहिए, उनको बात करने का हक नहीं है, उन्हें लड़कों के साथ उठने बैठने का हक नहीं है। आगे तो ये भी कह देंगे कि लड़कियों को कमरे में बंद रहना चाहिए, लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, लड़कियों को फाइटर जेट नहीं उड़ाने चाहिए, लड़कियों को पायलट नहीं बनना चाहिए, लड़कियों को मॉडल नहीं बनना चाहिए, लड़कियों को एक्ट्रेस नहीं बनना चाहिए और लड़कियों को आईएएस नहीं बनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया।